तब वो डर गई और उसकी पांचवी आयत में जब वो डर गई और अपने सर जमीन पर झुकाए तो उन्होंने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। क्या कहा जी उन्होंने? उनसे, उन्होंने उन्हों फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उनसे औरतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने उनसे कहा कि जिंदों को मुर्दों में, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। आज खुदा के कलाम में से हम इस बात पर सीखेंगे, गौर करेंगे, यीशु मसीह की जात जो कि मुर्दों में से जिंदा हुआ है और जिसकी ईद मनाने हम आज यहां आए हैं। इब्रानी जुबान में जो लफ्ज ईद के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसका मतलब है गवाही। आज हम क्या करने आए हैं? अपने यीशु के जी उठने की गवाही देने आए हैं। हालेलुया, हमारी ईद उसकी गवाही है, हम उसके गवाह हैं जमीन के ऊपर। लोग मुर्दों की ईद मनाते हैं, दर हकीकत मुर्दों की ईद नहीं मनाई जाती, ईद उसी की मनाई गई है जो जिंदा हुआ है और उसने जलाया है। हाँ, ये ईद है, जाओ और खुशी करो। जब कोई मरता है ना उसका तीसरा होता है, एंजी है ना, उसका तीसरा कर देने, लेकिन ये तीसरे आला नहीं गए, ये तीसरा नहीं होया, बल्कि ये तीसरे दिन मुर्दों में से जिया। यहां हम इस बात को सीखेंगे आज कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की बेहतरी, बहाली, तरक्की, मखलसी, निजात, छुटकारे के लिए, बरकतों के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, फायदों के लिए, तरक्की के लिए गलत रास्तों को अपनाते हैं और वो मुर्दों तक चले जाते हैं ताकि उनसे हम ये वर्क दे पाए। जादूगरों के पास जाते हैं, कब्रों पर जाते हैं, मजारों पर जाते हैं, उनसे दुआएं करते हैं, उनकी मन्नतें करते हैं, उनकी ओ राह में हदिये नजराने देते हैं। कोई मोमबत्तियां चढ़ाता है तो कोई अगरबत्तियां, चुनिया वाले भी हैं, चुनिया भी चढ़ाते हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो उनसे कोई फायदा नहीं पाते, उनकी जिंदगियां मुश्किल का शिकार होती जाती हैं, कब्रों पर जाने वालों की, कब्रों के सामने जाकर दुआ करने वालों की, उनकी जिंदगियों में कभी तसल्ली और इत्मीनान नहीं आता, वो कभी मुतमईन नहीं होती, क्योंकि उनके माबूद या जिनसे वो मांगती है वो मुर्दे हैं। और हम ये जानते हैं कि आपी जेड़े बच्चे किसे नु की खोलन, पत्थर ते मिट्टी दे रब किवे बोलन। अगर कोई बोलता है तो वो हमारा खुदावन यीशु मसीह है जो कहता है मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अनंत जिंदा रहूंगा। ये हमारे यीशु में कुदरत है, वो नहीं बोलते। कब्रों पर जाने वाले, एक लड़की की मां मर जाती है और वो क्या करती है, उसको तसल्ली नहीं मिलती। घर सियाने होंगे ना, वो कहते हैं कब्र दी लै, इनू उथे जाके तसली मिलेगी, आराम मिलेगा। उसको कब्र पर ले जाते हैं और कब्र पर जाकर वो क्या करती है, कब्र के पास बैठकर कब्र की मट्टी चाटनी शुरू कर देती है। और कुछ देर बाद वो बड़ी इत्मीनान में होती है और उसे वो घर ले आते हैं। जब घर ले आते हैं तो घर आकर उसकी हालत बिगड़ जाती है, इसलिए कि नापाक तासीर उसे
खेत में, और आप जानते हैं मिट्टी चटन का किन्नू क्या गया था? शैतान को, अब्लीस को कहा गया था कि ओ तू खाक चाटेगा। पर वो खादम सियाना से उन्हें क्या उड़का दें, तो अनुभी तसल्ली होगी ते कुड़ी नुभी तसल्ली होगी। यानी लोग अपनी तसल्ली के लिए गैर मबूदों के पास जाते हैं, मुर्दों के पास जाते हैं। मुर्दे जो मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं, वो ये समझते हैं कि इनसे हमें कुछ मिलता है, लेकिन कभी नहीं मिलता। बड़े बड़े सूरमा आए जिन्होंने ये दावा किया जमीन के ऊपर कि हम क्या हैं, खुदा हैं। नमरूद ने ये दावा किया कि मैं क्या हूं जी, खुदा हूं। फिरौन ने यह दावा किया कि मैं खुदा हूं। नबूकदनज़र ने यह दावा किया, उन्होंने अपनी मूर्तियां बनवाई, लोगों से सजदे करवाए, जबरदस्ती करवाए। और लेकिन एक वक्त आया कि जब उनका टाकरा मौत के साथ हुआ, तो वो हार गए, मौत के सामने खड़े ना हो सके, मौत से गालिब ना आ सके। लेकिन जिस दिन इस मौत का टाकरा मेरे और आपके यीशु से हुआ, फिर वो नहीं हारा बल्कि मौत हारी है। और उसने कहा, कहां गया तेरी फतह, कहां है? हालेलुया, ये हमारा यीशु है जो कुदरत वाला है, उसके आगे मौत ठहर नहीं सकती। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? हम जो है जिंदा है, और जिसके अंदर जिंदगी होती है वो कब्र के अंदर नहीं होता, बल्कि वो जिंदों के दरमियान चलता फिरता है। और आज वो कहां है? आज वो अपनी कलीसिया के दरमियान चल फिर रहा है, जो उसकी ईद मना रहे हैं, जो उसकी गवाही दे रहे हैं, जो उसके नाम के जलाल के लिए जमा हुए हैं, और जो ये साबित कर रहे हैं कि हाँ, हमारा खुदा जिंदा है। जमीन के ऊपर 14,000 से ज्यादा मजाहिब हैं, फिरके और उनके अध्यान हैं, उनके आलम हैं, उनके नबी हैं, पैगंबर हैं, रसूल हैं, किताबें हैं। कुछ इल्हामी कहते हैं और कुछ गैर इल्हामी हैं, लेकिन वो ये दावा नहीं कर सकते कि हमारे खुदा जिंदा है, क्योंकि वो अपने मबूदों की कब्रों पर जाते हैं। उनके मबूद जमीन के नीचे हैं, मट्टी के नीचे हैं, लेकिन मसीहों का यह दावा है, हमारा खुदा जिंदा है, उसकी कब्र खाली है और वो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया, ये मसीहों का खुदा है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। और अब जमीन के ऊपर जो दूसरी कौमें हैं, वो तजस्सुम को तो कबूल कर लेती है कि मुजस्सम होकर आया, लेकिन मसलूबियत और जी उठने को, मरने को कबूल नहीं करते। क्यों? कि वो ये समझते हैं कि कोई भी मर कर उठ नहीं सकता, क्योंकि वो जो देखते हैं वो जानते हैं कि ये हम जैसा इंसान है, यीशु मसीह हम जैसा बना। क्योंकि अदन में जब, अदन का मतलब है खुशी की जगह, खुशी, खुशहाल जिंदगी, जब वहां इब्लीस आ जाता है, जब तक वो अदन वाले खुदा की आवाज सुनते थे, खुदा की तरफ उनके कान थे, उनके अंदर खुशी थी। लेकिन जिस दिन कान फिर गया, गैर कलाम, अब्लीस के साथ यारियां, तो उस दिन उनकी हालत भी बिगड़ना शुरू हो गई। अब्लीस का कलाम कभी हमारी निजात का बायस नहीं बन सकता। और ऐसे खादिम भी हैं जो ये कहते हैं जी अब्लीस ने सच कहा, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि अब्लीस झूठा नहीं बल्कि झूठों का बाप है। फिर वो खादिम, फिर वो उठ नहीं होड़ गए गले मिले कोई, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मैं सच है, यीशु मसीह सच्चा गवाह, खुदा की जात का नक्श,
खुदा के जलाल का परताओ, अजली और अबदी बादशाह, गैर फानी ना दीदा वाहिद खुदा, खुदा में से निकला हुआ कलमा खुदावंद, जो दुनिया को सच्चाई बताने आया है, दुनिया को सच्चाई दिखाने आया है, दुनिया को यह बताने आया है कि अगर मखलसी, खलासी, निजात, छुटकारा, रिहाई है तो वो किसी में नहीं है, रिहाई सिर्फ मिलेगी तो एक ही जगह है, जो कोई मुझे कबूल करेगा, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा उसको ये सब मिलेगा और किसी को नहीं। फिर तेरे जितने मर्जी चक्कर लगाते रहे, जितना मर्जी घूमते रहे, जो मर्जी करते रहे, लेकिन कभी भी खलासी नहीं मिलेगी। तो अदन में जब अबलीस ने उनसे कलाम किया और उन्होंने अबलीस का कलाम कबूल किया, उन्होंने क्या किया? कबूल किया। और कबूल करने के बाद क्या हुआ कि खुदा की हसूरी से, खुदा के जलाल से महरूम हो गए। मौत का मतलब मरना नहीं है। लोग समझते हैं मौत आ गई तो मर गया। खुदा ने आदम से कहा कि जिस रोज तूने इस दरख्त को छुआ तू क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन वो तो 230 साल जीता रहा, बच्चे पैदा करता रहा, जमीन के ऊपर उसकी औलाद बढ़ती रही, वो मरा नहीं। मौत का मतलब है खुदा से जुदाई लाई, खुदा से अलहदगी। खुदा क्या है? रूह है, रूहानी खुदा के साथ इकाई बांधते हैं, खुदा के साथ एक होते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ कि जब गुनाह अंदर आ गया तो रूहानियत खत्म हो गई और जिस्मानियत जाहिर हो गई, और खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा का कलमा था, हम ये समझते हैं कि वो 2000 साल पहले आया, लेकिन खुदा ने अपने इलाही मंसूबे के मुताबिक कलाम मुकद्दस में लिखा है वो बनाए आलम से ही। हम जानते हैं कि 2000 साल, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? जब आलम नहीं बनाए गए थे, बनाए आलम से ही बेशतर, वो बनना हमारे लिए मखसूस और मुकर्रर कर ताकि इंसान की मखलसी के लिए। आदम ने गुनाह किया, बाहर आ गया, अब उसमें इतनी सकत नहीं थी कि अब वो वापस खुदा के साथ मिलाप कर सके, क्योंकि आदम ने क्या किया है? आदम ने जमीन के ऊपर कब्रस्तान का आगाज किया है, कब्रों का आगाज किया है। आदम ने गुनाह के बायस मौत को अपने अंदर लेकर जिंदगी को रद्द कर कब्रस्तानों का आगाज किया है, लेकिन खुदा ने अपने कलमे यीशु को मुजस्सम करके कब्रों का आगाज नहीं किया, बल्कि आदम कब्रों का आगाज करता है पर इब्ने आदम कब्रों को खोल देता है। हालेलुया। वो इब्ने आदम है, वो खुदा में से निकला हुआ खुदा का कलमा है, उसकी जान पाक है, वो बेऐब है। आदम छठे दिन बना। बाइबल मुकद्दस की 66 किताबें हैं। यशाया की किताब, जिसे पुराने अहदनामे की खुशखबरी कहा जाता है, मसलूबियत के पदाइश के हवाले भी हम वहां से पढ़ते हैं, और मसलूबियत के हवाले भी हम उसका 53वां बाब बड़ी मोहब्बत और बड़ी चाहत के साथ हमेशा पढ़ते हैं। वो हमें उसकी मसलूबियत की भी तस्वीर देती है, उसके पदाइश की भी तस्वीर देती है, उसके भी 66 बाब है। तो खुशखबरी का कलाम ये है
कि छठे दिन बनने वाला जब गुनाह में गिर गया तो खुदा का कलमा भी छठे दिन वाले की मानिद बन गया, वो छह के अदद वाले की मानिद बन गया, ताकि अब जो छह के छठे दिन बना हुआ है, वो जो गुनाह में गिर गया है, वो जो जहालतों में गिर गया है, वो जो कमजोरियों में गिर गया है, वो जो अलालतों में गिर गया है, वो जो कबाहतों में गिर गया है, वो जो शामतों में गिर गया है, वो जो बदकिरदारियों में गिर गया है, वो जिससे खुदा ने अपना चेहरा छुपा लिया है, अब उसका मिलाप कैसे होगा? अब ऐसा चाहिए जो बेऐब हो, जो खुदा की जात की मानिद हो, जिसकी फितरत में गुनाह ना हो, जिसकी सरशित में गुनाह ना हो, और फिर उसे जमीन के ऊपर भेजा जाए ताकि वो जमीनियों को उसके बेटे यीशु के वसीला से आसमानी बनाए। हमारे खुदावंद यीशु के नाम से यहां एक तलीमी पहलू आपको बताता जाऊं। तीसरे दिन जी उठने का मुकाशफा, तीसरे रोज वो मुर्दों में से क्या हुआ जी? जी उठा है। बहुत सारे लोग इस कैलकुलेशन को ना अपने कैलेंडर के हिसाब से जैसा हमारे दिन है काउंट करते हैं कि जी देखो जी मेरा तू एंजॉय है, जुम्मे में एंजॉय है, बल्कि जुम्मे नहीं होया जुम्मे रात ही तू बदलता जी फिरता है, अगो हफ्ता आ गया। तीन दिन किए बनते हैं, आप अपना कैलेंडर रखते हैं आगे। लेकिन बाइबल मुकद्दस का कैलेंडर कभी आपने पढ़ा है? पैदाइश की किताब पहला बाब क्या कहता है? पहले सुबह हुई कि पहले शाम हुई? शाम हुई और फिर सुबह हुई। दाऊद जब दुआ करता है जबूर 55 में तो क्या करता है? शाम सुबह दोपहर जबूर 141 गाते हैं, क्या कहता है? जीवे कुर्बानी। तो यहूदियों का कैलेंडर शाम से शुरू होता था, शाम 6 बजे से दूसरे दिन शाम 6 बजे तक एक दिन काउंट होता था। अब जुमेरात को यीशु मसीह पकड़े गए तो जुमेरात शाम 6 बजे से जुम्मे की शाम 6 बजे तक एक ही दिन चल रहा। हमारा दिन रात 12 बजे से शुरू हो जाता है, उनका दिन शाम 6 बजे से शुरू होता। तो वो जब आज भी आप देख ले, अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो अगर 12 बजने से कुछ 10-15 मिनट भी पहले पैदा हो तो उसे गुजरे दिन की तारीख में ही शामिल किया जाएगा, उसे अगली तारीख नहीं दी जाएगी 12 बजे के बाद वाली। तो 12 से 12 के दरमियान जो होगा वो, आज 17 है तो वो 17 ही में काउंट किया जाएगा, वो 18 में दाखिल नहीं होगा। तो पहला दिन गतसमनी से लेकर कबर में रखने तक जुमेरात खत्म नहीं हुई, यह जुमेरात का दिन एक दिन हो गया। जुम्मे की शाम से हफ्ते की शाम तक दूसरा दिन, और हफ्ते की शाम से इतवार की शाम तक तीसरा दिन बनता है, और उसने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये इस आयत का मुकाशफा है। लेकिन नादान लोग, जैसे उन्होंने एडी को आफ्टर डेथ बनाया हुआ है, उन्हें ये नहीं पता। बहुत सारे लोग हैं, एडी रोमी एक नाम है जिसका मतलब है एनाओ डोमिनी, जिसका मतलब है हमारे खुदावन का साल, यानी वहां से सालों के आगाज होते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता, वो जेड़े आप ही समझते ने उस्ताद, यानी जिम्मे कहते ज्यू जमी बोधियों लमी, ओ अभी जरा उस्ताद ने ना ओ ना किसी मनना ते ना किसी सुनना, वो कहते हैं जी एडी आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ नहीं है, इसका मतलब है रोमी, यानी रोमी असूल के मुताबिक या रोमियो के मुताबिक हमारे खुदावंद का साल। तो वहां से ही साल शुरू होते हैं, वहां से ही आगाज होते हैं, वही अल्फा है, वही इब्तदा है, और वही अजल है। इब्तदा भी असल कहना यीशु के लिए दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इब्तदा उस चीज की होती है जो पहले ना हो और उसे खल्क किया हो, या उसे पैदा किया गया हो, या उसे ईजाद किया हो। अगर खुदा की जात के लिए दुरुस्त लफ्ज है तो वो लफ्ज अजल है। और लिखा है कि वो अजली, खुदा क्या है? अजली है। उसके लिए इब्तदा का लफ्ज लगता नहीं, क्योंकि हमारे पैदाइश की किताब में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और हमारे यूहन्ना की इंजील में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और फिर मुकाशफा में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इब्तदा और इत्तहा।
इसलिए थोड़ा सा तालीमी पहलू भी आप लोगों को मिलता जाए। सिर्फ ईद ही ना मनाना आयो कि जी अज कपड़े पाए थे बस असि ईद मनाना आए हैं। नहीं नहीं, हमें पहचान पानी है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। हम ढूंढने वाले हैं, हमारे पास खुशबू नहीं है। और जो लेके आई थी उन्हें उन्होंने भी इस्तेमाल किया और लगिया रही मेहनत कर करके बनाई खुशबू बनाई जाती थी, मसाले डलते थे उसमें और बड़ी मेहनत से बनती थी और ले आई, लेकिन उसने उस खुशबू को इस्तेमाल नहीं किया। उसकी निगाह में कोई और खुशबू है। अब वो क्या करना चाहता है? उन सबको जो उस पर ईमान लाए हैं उनको अपनी खुशबू बनाना चाहता है और उनको भेजना चाहता है, जाके मेरी खुशबू बनकर जमीन के कोने कोने में जाकर गवाही दे, मनादी करे और बताए कि हमारा खुदावन जिसका नाम यसु है, जिसको रोमियों ने मारा, मसलूब किया, कब्र में रखा और उसकी कब्र के ऊपर पहरेदार बिठाए और मोहरें लगाई, लेकिन वो नहीं जानते थे हमारा खुदा जो यहूदा के कबीले का बब्बर है वो मोहरों को तोड़ने की कुदरत रखता है। वही समझते सन असा मोहरें लाती थे खुलड़ियां नहीं गिया, उन्होंने नहीं सी पता है जेड़ा वे आसमानी मोहरा भी खोल लेता है। यहां आदम नहीं था, यहां इब्ने आदम था और यहां खुदा का जलाल जाहिर करने वाला था यीशु मसीह जी उठे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कितने ईमान रखते हैं कि मैं जी आदम जी उठा, गुनाह के बायस मौत का हर एक इंसान पर कब्जा था। तो गुनाह के बायस इंसान पर मौत का कब्जा था और मौत दंदनाती फिरती थी और खुदावंद यीशु मसीह ने उस मौत के इख्तियार को तोड़ना था। इस मौत का इख्तियार इबलीस के पास था और मौत और आलमे रवा की कुंजियां भी उसी इबलीस के पास थी। हमने कल भी थोड़ा सीखा इसके ऊपर परसों के आदम से लेकर मसीह तक जितने मरे सारे आलमे रवा में, और आलमे रवा में इसलिए जाते थे कि वो रूहों का आलम था, वहां रास्तबाज भी जाते हैं क्योंकि हमने देखा एक ही जगह इब्राहिम बैठा है, दौलतमंद भी वहां है, लाजर भी वहां है और उस आलमे रवा के ऊपर इस कदर इबलीस का कब्जा था कि एक जादूगरनी की भी इतनी जरूरत सी कि सैमुअल की रूह नू आलमे रवा चो बुला दे। जादूगरों का भी उसमें इख्तियार था, वो जब चाहता जिसको बुला ले, जब चाहे उसमें डाल दे। फिर खुदावंद यीशु मसीह आलमे रवा में गया ताकि अबलीस के इख्तियार को, वो आलमे रवा में उतरा, उसने जाकर कैदी रूहों में मनादी की है। अब वो रूहें खा इब्राहिम की हो खा वो किसी की हो, सारे आदम के तुख्म के बायस क्या थे? गुनेगार थे, रास्तबाज ईमान के बायस बने थे, लेकिन रूह क्या थी? गुनागार थी। और खुदा उस रूह के साथ मिलाप नहीं करता जिसमें गुनाह हो। गुनाह के बायस खुदा और इंसान में जुदाई पैदा हुई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने आलमे रवा में जाकर अबलीस के काबों को नेस्त करके अपनी भेड़ों को छुड़ा के वहां से बाहर निकाल कर ऐलान कर दिया है, मौत और आलमे रवा की गुदिया मेरे पास है, मेरे खोले को कोई कब नहीं कर सकता और मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। अब आलमे रवा नहीं है, अब आलमे आलमे रवा तीसरे आसमान पर है। दूसरा करंथियों उसके
बारहवें बाब की कभी स्टडी कीजिएगा। पौलुस कहता है कि मैं यकायक तीसरे आसमान पर गया और फिर आगे ही कहता है कि मैं यकायक फिरदौस में चला गया। दोनों हवाले आगे पीछे तीसरी और पांचवी आयत में है कि यकायक फिरदौस का लफ्ज और यकायक तीसरे आसमान का। तो इसलिए आलम रवा तीसरे आसमान पर है और जो उस्ताद और आलम है बानियाने दीन है वो ये कहते हैं क्योंकि खुदा कामिल है, खुदा सात के अदद को कामलियत का अदद ठहराता है, जैसे सात बड़े आजम हैं। दुनिया की डिवाइड जो हुई है कैसे हुई है, सात बड़े आजम, दुनिया के सात खित्ते बनाए गए हैं, सात समुंदर कहा जाता है। आज तक कोई ना माई दा लाल ते ना ही कोई भाई दा लाल आज तक कह सकिया जी अठ समुंदर ने या नौ ने, जो ठहरा दिए गए हैं सात हैं और साथ ही दुनिया के दिन ठहरा दिए गए हैं जिसे पूरी दुनिया लेकर तरतीब से चल रही है और उन सात को ही कामलियत माना जाता है। इसी तरह आलम भी कहते हैं कि हाँ जिस तरह जमीन और आसमान के ऊपर कामलियत के अदद को सात में तकसीम किया गया है, इसी तरह आसमान भी कितने हैं, सात हैं और खुदा सातवें आसमान पर बैठता है। हम ये कहते हैं कि एलिया आसमान पर गया, हनूक आसमान पर गया, बाइबल हमें बताती है, लेकिन यूहन्ना की अंजील उसका तीसरा बाप हमें बताता है, यीशु मसीह फरमाते हैं आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा है। ते फिर किथे जांदे सन, रास्तबाज भी ईमानदार भी कैदी रूह में जाते थे, आलम रवा में जाते थे, दुनिया जिदे कोल सन ओदे कोल जाना ना, लेकिन अब दुनिया उसके पास या खुदा के बेटे यीशु के पास। और ये यीशु भी इसलिए डायरेक्ट ऊपर नहीं गया कैदी रूहों को लेके जाना, और उतनी देर तक ये इब्राहिम और दूसरे लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि कफारे का लहू पाक के सामने पेश था, पाक लहू खुदा के सामने बहाया नहीं गया था। पाक लहू जब खुदा के सामने बहा दिया गया है अब कोई रुकावट नहीं रही, जैसे लिखा है कि मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया है। हुण असी गैर कौमों के हाथे में बैठने वाले नहीं है, अब हम पाक मकान वाले नहीं रहे, बल्कि यीशु के खून की कुदरत ने हमें दरवाजा बनकर, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, और पाक तरीन मकान तक हमारी रसाई कर दी है और ये इख्तियार दे दिया है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा उसे मैं बाप का फर्जंद होने का हक बख्शूंगा, क्योंकि ना वो खून से पैदा होगा, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि वो किस से पैदा होगा, खुदा हम खुदा से। हालेलुया, आप खुदा से पैदा होते हैं, खुदा है आपके पास, और जिनके पास खुदा उसका कलमा उसका बेटा है वो कुदरत वाले हैं। आमीन। और ये कुदरत कहां रख दी गई है, हमारे अंदर रख दी गई है। तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं, हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। आज ईमानदार, आज खून खरीदे, आज चुने हुए, आज लग किए हुए, आज बरगजीदा नस्ल कहलाने वाले, आज शाही काहिनों का फिरका कहलाने वाले भाई बहन बेटे बेटियां बच्चे बुजुर्ग अपने मकाम को पहचाने, अपनी हैसियत को पहचाने, हम कौन हैं, हम खुदा के बेटे हैं। उसने ये इख्तियार हमें ऐसे ही नहीं दे दिया कि हाँ भाई कोई नहीं सी यतीम सा तो चलो मल मार लिया, नहीं नहीं उसने इसकी कीमत चुकाई, कीमत से खरीदे गए हैं, यीशु को जिंदा कहने वाले कीमत से खरीदे गए हैं। और यह कीमत किसी कौम किसी नस्ल किसी लुगत किसी फिरके की नहीं चुकाई गई, बल्कि अल एलानिया यूहन्ना अस्तबागी ये कहता है कि देखो खुदा का बर्रा जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये कीमत सारे जहान की चुकाई गई है,
यीशु सारी दुनिया के लिए जी उठा है, यीशु सारी दुनिया के लिए मरा है, लेकिन ईद उसकी है जो यीशु के साथ मसलूब होता है। ईस्टर उसका है, क़यामत अल मसीह उसकी है जो यीशु के साथ मसलूब हुआ है। जो मसलूब नहीं हुआ उसकी नहीं है। मलूस क्या कहता है कि मैं उसके साथ मसलूब हुआ, फिर मैं क्या हुआ, मर गया, फिर मैं क्या हुआ, मैं जिंदा भी हुआ, और अब मैं ना रहा बल्कि मेरे अंदर कोई है, अब यीशु मसीह मुझ में है, मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा हुआ है। और जिंदा होने के बाद आज अपनी कलीसिया के दरमियान चल फिर रहा है, वो अपने लोगों के दरमियान चल फिर रहा है, वो अपने बेटे और बेटियां के दरमियान चल रहा है, वो चिराग दानों के दरमियान चल रहा है, ताकि दुनिया की ख्वाहिशों ने, दुनिया की लालचों ने, दुनिया की लज्जतों ने जो इनके ऊपर गर्द डाल दी है, इनकी रोशनी धीमी कर दी है, वो अपने गुलगीर से इनकी रोशनियां बहाल करता है, उस गुनाह के तुखम को काटता है, ताकि ये दुनिया के नूर बनकर जाहिर होने वाले हो और अपने बाप यहोवा का जलाल जाहिर करने वाले हो। वो बड़ी कुदरत के साथ जाहिर हुआ है, और उसकी जी उठी कुदरत हम में जाहिर होनी चाहिए। अगर अभी भी हम मुर्दा हैं तो फिर हम यीशु के साथ जी नहीं, तो जिएगा वही जेड़ा बपतिस्मा लेगा, जेड़ा बपतिस्मा नहीं लेता यीशु के साथ मसलूब नहीं होता। बपतिस्मा उसकी मौत के साथ मुशहबत है। मैं इस बात की खुशखबरी आज आपको देता हूँ, यीशु नहीं हम जी उठे हैं, आदम जी उठा है, इंसान जी उठा है जो मर गया था और जिसके पास ये इख्तियार नहीं था कि अपने आप को बचा ले, लेकिन खुदा के बेटे ने आकर उस इंसान को बचा लिया है। वो बंधनों में गिरा हुआ है, वो जकड़ा हुआ है, वो गुनाहों में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए इंतजाम हो चुका है, लेकिन इंतजाम अपने वक्त पर जाहिर हुआ है। ऐलान तो पहले हुआ था, लेकिन ज़हूर कब हुआ जी, अखीर जमाना में। अब वो अखीर जमाने की बातें हैं, अब उसका ज़हूर हो चुका है, अब एक ही बात बाकी है, अब वो दोबारा कब्र में जाने के लिए नहीं आने वाला। हाँ कहेंगे कि आना है तो इतने लम्बिया पैण है, उन्होंने अपने को फिट करना पैना, उन्हें हूं लम्बिया पैण नहीं आना, वो हूं लम्बिया पाएगा। अब खुदा यीशु मसीह हम सबको लेने आएगा, सही बारी ये है कि वो हमें लेने आएगा, तो जो तैयार होगा वही साथ जाएगा। दूजे कहते रहेंगे बुआ खोलो, खड़काते रहेंगे, लेकिन वो कहेगा कि मेरी तो उससे कभी बात नहीं, क्योंकि उन्होंने जिंदा को ना पहचाना, वो मुर्दों के पीछे फिरते रहे। आज हम जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं, जिंदा खुदा के परस्तार बने हैं, जिंदा खुदा के लोग हैं। हम दुनिया के तबार से मर गए हैं, और पलूस कहता है कि दुनिया मेरे तबार से मर गई है और मैं दुनिया के तबार से मर गया हूँ। उसने अपने जिस्म की राह से होकर, इस जिस्म के खेमा से होकर हमारे लिए एक राह तैयार की है जो आसमान तक जाती है। उसने इस बदन के ऊपर जो गुनाहों की दस्तावेज थी उसको कीलों से जड़ दिया, जो हमारे थी हमारे नामों पर थी, उसको अपने लहू से धोकर साफ कर दिया है। अब जब खुदा बाप देखता है ये कमाल है, नहीं वो देखता है ये यीशु के लहू से धुला हुआ है, अब इसके गुनाह नजर नहीं आते, अब नजर आता है तो कादरे मुतलक यीशु का लहू नजर आता है। हालेलुया। हम जिंदा को मुर्दों में क्यों अब हमें लहू में छुपने की जरूरत है। और जबूर कानवे बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि पता नहीं किवे किवे समझ देने, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हक ताला के पर्दा में, ये पर्दा लहू की चादर का पर्दा है, ये लहू की
खून से जो चादर हमारे ऊपर बिछाई गई है, अब हम उस कादरे मुतलिक के पर्दा में आए हैं, अब उसके मस्कन और उसके खैमा में आए हैं, और उसने हमें रद्द नहीं किया। नहीं, कौन है तू? गले से लगाता। मुसरफ जब वापिस आता है ना, तो उसका बाप कहता है कि मेरा बेटा क्या था जी, हमारे ब्याह था। उन्हें जिन्हों की हालत देखी ना, पहले पैर ही सर थले लगते। मेरे अब्बे को बड़ा ही पैसा है, फू फू उसकी बड़ा ही करता सी ना, काम भी उसका करन दे दिल नहीं सी करता। लेकिन जिस दिन उसे छोड़ा गया, उसकी आजाद मर्जी के ऊपर, उसने क्या किया? अपने आप को बर्बाद कर दिया। लेकिन बहाली के लिए उसे कोई रास्ता नहीं मिला, सिर्फ एक ही रास्ता मिला कि अपने बाप के घर जाना। आज हमारे पास भी एक ही रास्ता है, हमारे बाप का यीशु मसीह, जो हमें मौजूद है और जो हमें निजात देना चाहता है। वो हम नंगे थे, आदम नंगा था, लेकिन उसने उस आदम को ढांपने के लिए अपने आप को नंगा कर दिया, और लिखा है कि उसने शर्मिंदगी की परवाह न की, उसने कपड़े उतारने दिए ताकि मुझे और आपको ढांप ले। और फिर दाऊद कहता है कि मुबारक है वो जिनके गुनाह ढांपेंगे और जिनकी बदकारियों को खुदावन हिसाब में नहीं लाता। अब खुदावन यीशु मसीह के वसीला से हमारे गुनाह हमारे सर पर नहीं है। कैसी रोज पढ़ते रहिए, ओ खुदावन जिन्हें मेरे सिर दे बाल ने नहीं मेरे दे दिया है, उसने लहू बहा दिया है। लिखा है और मैं क्या कर सकता था जो मैंने नहीं किया, इस पाकिस्तान के लिए मैंने क्या नहीं किया। उसने अपने बेटे को अंगूरों की तरह निचोड़ा, रोता लताड़ा कुचला, जो वो कर सकता था उसने किया है। और फिर भी वो कहता है कि और कौन, और तुसी दस रहे, और मैं क्या कर सकता था जो मैंने किया। मार दिया उसे, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं, अजय नहीं, अजय थोड़ा जा टाइम है, टाइम तो कोई नहीं, फिर एक ही टाइम होना, मैं समझ नहीं आनी को यार, फिर नाल दे दादी यार पता नहीं लगा चंगा पानी पीता से घोटी लाया होते अपने खेता, और उसने अपना बेटा इसीलिए दिया है कि हम खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाए। क्योंकि पत्रस अपने वास में कहता है कि मौत का उस पे इख्तियार नहीं था, और मुमकिन नहीं था कि वो मौत के कब्जा में रहे, बल्कि खुदा ने उसे मौत के बंद खोलकर जिलाया, और जिलाया इसलिए है कि ताकि वो अपने कलीसिया के दरमियान जाकर गवाही दे। अगर वो सलीब पर ही रहता या कब्र के अंदर ही रहता तो फिर गवाही ना बनती, फिर ईद ना बनती। ईद इसीलिए बनी है, ओ हमारी गवाही इसीलिए बनी है कि आज वो कब्र के अंदर नहीं है और लोगों के माबूद अंदर है, लेकिन हमारा माबूद अंदर नहीं है, उसकी खबर खाली है। और वो इसीलिए है कि लोग उसमें देखें और ये जाने कि हाँ ये वही है जिसने कहा था कि मैं अपने कहे के मुताबिक जी उठूंगा। और पहला ग्रंथियों उसके 15वें बाप में लिखा है कि यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हुआ, किताबे मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ, और अब उसी किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी भी उठा है। हालेलुया।